लोकसभा चुनाव का आखिरी दिन यानी कि आज लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी दिन है। वैसे में आज लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के संग आज वोट डालने जाते हैं। जी हां, पटना के वेटनरी कॉलेज में अपने बूथ पर वो जाते हैं वोट करने के लिए। बता दें पाटलिपुत्रा से उनकी ही बेटी मीशा भारती तो दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव हैं। और आज रोहिणी आचार्य, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव तीनों एक साथ वोटिंग करने जाते हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य खुद उम्मीदवार सारण से उम्मीदवार जहां राजीव प्रताप रूडी से उनका मुकाबला था, और वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। आखिर आज किसकी किस्मत, जिस तरीके से आज किस्मत सभी की किस्मत कैद होने वाली है, आखिर किसकी किस्मत खुलेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक तरफ नारे लग रहे हैं, जी हाँ नारे लगाए जा रहे हैं 400 के पार, तो इधर से भी कम नहीं विपक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य, तमाम लोगों का कहना है कि इस बार हमारे पक्ष में वोट आएंगे। और गिनती जो हो गई 4 जून को जब गिनती हो गई तो इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत हासिल करेगा। लेकिन देखना होगा क्या इंडिया गठबंधन जीतता है। लेकिन एक तरफ मोदी जी यानी कि 400 पार के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज वोटिंग के आखिरी दिन लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के संग जाते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सुबह जी हाँ अहले सुबह वो जाते हैं, सबसे पहले वोटिंग करते हैं। और वहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती, जी हाँ लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है, और वहाँ पर आज वोट करने जाते हैं रोहिणी आचार्य। तमाम जो लोग हैं वो मीडिया से दूरी बनाए हुए, जी हाँ लालू प्रसाद यादव मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। और बता दें कि पहली बार रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी है, उनकी किस्मत तो कैद हो चुकी है, लेकिन किस्मत का ताला आखिर खुलता है ये 4 जून को तय होगा। लेकिन जिस तरीके से मीडिया के सामने लालू प्रसाद चुप्पी, आखिर क्यों साधे, लालू प्रसाद ने एक शब्द भी मीडिया से नहीं कहा। और देख सकते हैं कि एक साथ लालू प्रसाद यादव पीछे हैं, तो उनके आगे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यानी कि रोहिणी आचार्य की माँ, और उनसे आगे रोहिणी आचार्य खुद वहाँ पे वोट करती हुई नजर आई है और कहती है कि इस बार प्रचंड बहुमत हासिल होगा। क्या प्रचंड बहुमत हासिल होगा? एक तरफ जहां तमाम जो लोग हैं मीशा भारती के लिए मैदान में उतरे थे यानी कि खेसारी लाल यादव यानी कि भोजपुरी के कलाकार तमाम लोग उतरे थे और सभी परिवार संग उनके तमाम जो लोग हैं प्रचार में उतरे थे, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए जिस तरीके से तमाम जो लोग आए थे, वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बिहार में आए थे और बिहार में 400 पार के जो नारे लगाए थे और उन्होंने साफ तौर पे 40 की 40 सीट, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है 400 सीट पर विजय प्राप्त होगा। क्या 400 की 40 सीट आखिर जनता किसके झोली में दी है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर 4 जून को क्या कुछ होता है। आपको कैसा लगा न्यूज जरूर बताए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।